मेरा वार्ड मेरी समस्या में आज बात करेंगे कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड संख्या 35 के क्रेशर बस्ती के पास बसी कॉलोनी की। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में ऊपरी बस्तियों का पानी बहकर गलियों में आ रहा है, जिसकी वजह से घरों में कई बार जलभराव की स्थिति बन चुकी है और कॉलोनी के बीच से गुजर रहा बरसाती नाले की वजह से यह समस्या हो रही है। इसी के साथ ही कॉलोनी में नालियों की कम गहराई की वजह से दिक्कतें आ रही है। नालियों की सफाई नहीं होने के कारण ज्यादा पानी आने पर गंदा पानी सड़कों पर फैल जाता है और मजबूरी में लोगों को ही सड़कों की सफाई करनी पड़ती है। गंदगी की वजह से कॉलोनी में डेंगू मलेरिया और मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बना हुआ है। वहीं इस संबंध में जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया गया है, लेकिन वह सफाई व्यवस्था को लेकर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये नाला बल जाता है पानी का और बरसात में बहुत परेशानी रहती है और गंदगी रहती है, गाड़ी भी नहीं आती, कचरा की कम आती है और बीमारी वगैरह भी फैलती है। हाँ, इनसे ही होती है, मच्छर से बीमारी होती है इंसानों की। ये पार्षद वगैरह को नहीं बताया कभी शिकायत? कोई आते ही नहीं इधर, किसकी बताऊँ आपको? नाम बता दें आपका। आपका नाम बताए? रामगनी। ये नाली की समस्या है, यहाँ तो साफ सफाई करने नहीं आते और बारिश में पानी भर जाता है, कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, यही समस्या है। नाला भर जाता है पूरा ही। क्या करना पड़ता है? खुद ही साफ करना पड़ता है? खुद ही साफ करते हैं हम तो, पानी उगड़ता है खुद पाइप लेके सफाई करते हैं, ये समस्या है। नाम बता दें आपका? संतोष। यही नाली गंदगी रहती है, कचरा उठाना आते नहीं है यहाँ पर और ये ऊपर सारा कादा निकल जाता है, बुलाते बुलाते नहीं आते हैं यहाँ पर कोई भी, यही परेशानी और कुछ भी नहीं है। समय पे सफाई नहीं होती तो क्या? सफाई नहीं होती है, ये दिक्कत आती है ना, पानी भर जाता है ऊपर कादा आ जाता है, इसके हमारी परेशान है। ऊपर आते हैं तो ऊपर भी गंदगी हो जाती है हमारे घर में। अभी बारिश में और ज्यादा समस्या आ रही है? हाँ, पानी बहुत ज्यादा आ जाता है ऊपर और आते नहीं सफाई करने यहाँ पर गले में। नाम बता दें आपका? इरशाद है। क्या समस्या आ रही है वार्ड में? यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये, एक तो साफ सफाई नहीं होती, नालियों का हाल खराब है। उधर अपने ये कौन सा पड़ता है, वो मदासी मोहल्ला पड़ता है, तलाव गाँव क्या पड़ता है, उधर का सारा पानी इधर आता है। वो नाला बना रखा है बीच में उस साइड, क्या उधर नाला टूट रहा, उस नाले का सारा मतलब पानी लेके और इस साइड से वो निकलता है, कुछ पानी इधर से आता है और सफाई नाम की चीज़ नहीं। आगे से क्या ये आदमी निकल नहीं सकता, गंदगी। अरे ये तो ये लोग बेचारे मोहल्ले वाले तो ये सफाई करता है, कुछ सफाई करने नहीं आता। हाँ, नाम बता दें आपका? मेरा नाम मुश्ताक है, मैं तुम्हारा नाम बताओ। पार्षद जरीना खान का कहना है कि वार्ड नंबर 34 से बरसाती पानी बहता हुआ आता है, उनके वार्ड 35 में आता है, अतिक्रमण के कारण नाला छोटा हो गया है जिसके कारण समस्या हो रही है।